सनातन प्रेमी बंधुओं, आज मैं आपको रहीम दास जी के कुछ दोहे उनके अर्थ सहित सुनाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि इन दोहों को सुनकर आप जीवन के सत्य से परिचित होंगे तथा अपने ईष्ट का सानिध्य प्राप्त करेंगे। रहीम दास जी के दोहों में जीवन की सार्थकता है। अपने दोहों के माध्यम से रहीम दास जी ने जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाने का सरल तरीका बताया है। रहीम दास जी ने दोहावली के अतिरिक्त अन्य भी कई साहित्यों की रचना की, जैसे नाई का भेद, नगर शोभा इत्यादि। तो आइए सुनते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध दोहे उनके अर्थों के सहित। रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, रहिमा जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी के अनुसार प्रेम का धागा अत्यंत नाजुक होता है, यदि एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं है, और यदि जोड़ने का प्रयास करो तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए टूटे रिश्ते को जोड़ने पर संदेह सदा ही बना रहता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घटयो जो भृगुमारी लात, रहीमा जो भृगुमारी लात। रहीम दास जी कहते हैं, बड़ा वही होता है जिसमें क्षमा का भाव होता है, इसलिए बड़े को सदा क्षमा दान देना चाहिए, छोटा तो ओछी हरकत करता भी है। रहीम दास जी ने कहा कि ऋषि भृगु ने जब विष्णु जी के सीने पर लात मारी तो विष्णु जी ने बड़े होने के नाते उन्हें क्षमा किया और उल्टा उन्हीं से पूछा कि कहीं आपको मेरे वज्र जैसे सीने पर प्रहार करने पर कोई चोट तो नहीं लगी। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग, रहीमा जो मेहंदी को रंग। जीवन में परोपकार के महत्व को समझाते हुए इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि परोपकारी मनुष्य का जन्म तो कल्याण करने हेतु ही होता है। जैसे मेहंदी का रंग जो लगाने वाले के हाथ पर तो लगता भी है, जो उसे बांट रहा है उसके हाथ पर भी लग जाता है। रहिमन चुप हो बैठिए,
देख दिनन को फेर रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन को फेर जबनी के दिन आए हैं, बनत न लगी है देर रही माँ, बनत न लगी है देर। जीवन में मौन के महत्व को समझाते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जब विपत्ति काल आए तो सबसे बड़ा साथी होता है मौन। मनुष्य को मौन धारण कर अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए रही माँ, मथे न माखन हो। मनुष्य को धैर्य की सीख देते हुए इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को विपरीत समय में शांत रहना चाहिए, क्योंकि उसके अशांत होने से बात बनेगी नहीं। जैसे फटे दूध को लाख मथिए लेकिन उसमें से माखन बाहर कभी नहीं निकलता। मन मोती अरु दूध रस इनकी सहज सुभाय, मन मोती अरु दूध रस इनकी सहज सुभाय, फट जाए तो ना मिले कोटिन करो पाए रही माँ, कोटिन करो पाए। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी मनुष्य की सहज प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो तो जैसे मन मोती दूध और रस होते हैं, ये भी अपनी सहज प्रकृति में रहते हैं, परंतु जैसे ही असहज हो जाते हैं तो मोती हो चाहे दूध, मन हो अथवा फलों का रस, ये फट जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान रहीमा, संपत्ति संचहि सुजान। मनुष्य जीवन में परोपकार के महत्व को समझाते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाता, जिस प्रकार नदी अपना नीर नहीं पीती और सदा दूसरों के लिए तत्पर रहती है, उसी प्रकार परोपकारी मनुष्य भी परोपकार करते करते अपना जीवन नर नारायण की सेवा में व्यतीत कर देता है। होते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, होते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये कर पिछली बात रहीमा, कर पिछली बात।
मनुष्य के बड़ बोलेपन पर रहीम दास जी ने कहा कि कभी भी मनुष्य को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जैसे क्वार के बादल केवल उमड़ घुमड़ कर चले जाते हैं, उसी तरह बड़ बोला मनुष्य भी पिछली बातें याद कर करके केवल बड़ी बातें करता रहता है। रही मन निज मन की व्यथा, मन मेरा खो गो। रही मन निज मन की व्यथा, मन मेरा खो गो। सुन इठल हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोई रही माँ, बाटी न ले को। हर मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आते हैं। मनुष्य का मन दुख में व्यथित हो जाता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब भी उसका मन व्यथित हो मौन रहकर अच्छे समय का इंतजार करे। यह शिक्षा रहीम दास जी ने इस दोहे के माध्यम से दी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रही मन मूल ही सींचियो, फूले फले अघाए। रही माँ फूले फले अघाए। रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक समय में एक कार्य ही करना चाहिए। जैसे अनेक अनेक कार्य लेने पर कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप वो कहते हैं कि यदि वृक्ष की जड़ को ठीक से सींचा जाए तो उसका तना, उसके पत्ते और उसमें उगने वाले फल सभी अपने आप सुव्यवस्थित ढंग से फलते फूलते हैं। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रही माँ कहाँ करे तलवारी। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कभी भी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप वो कहते हैं, जहां सुई का काम है वहां भला तलवार क्या काम करेगी। रही मन निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय। रही मन निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रही माँ नहीं रवि सके बचाए। संपत्ति के संचय में इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को आने वाले समय के लिए कुछ न कुछ संचय कर अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह संचित की हुई संपत्ति ही होती है जो विपत्ति काल में मनुष्य के काम आती है। रही मन पानी राखिए,
बिन पानी सब सून, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून रही माँ, मोती मानुष चून। जीवन में पानी के महत्व को समझाते हुए रहीम दास जी कहते हैं कि पानी एक ऐसा अनमोल धन है जिसे हमेशा संचय करके रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना चाहे मोती हो, चाहे मनुष्य, चाहे किसान की फसलें, सब बर्बाद हो सकती हैं। खीरा सिर ते काटी के मलियत लोन लगाए, खीरा सिर ते काट के मलियत लोन लगाए, रही मन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए, रही माँ चाहिए यही सजाए। जीवन में मीठा बोल बोलने की प्रेरणा देते हुए रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो मनुष्य कड़वा होता है उसे उस कड़वे खीरे की तरह दंड मिलना चाहिए जिसका सिर काटकर, नमक लगाकर, रगड़ रगड़ कर उसका कड़वापन निकाला जाता है। रही मन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत, रही मन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत, कार चारे स्वान के दो भांति विपरीत, रही माँ दो भांति विपरीत। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि ओछे नरों से न तो बैर भला होता है न ही प्रीत। उदाहरण स्वरूप वो स्वान अर्थात कुत्ते के बारे में कहते हैं कि स्वान काटता भी है और चाटता भी है, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में वो निंदनीय होता है और मनुष्य के पैरों में पड़ा रहता है। पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दा दुर्वक्ता भये हमको पूछे कौन, रहीमा हमको पूछे कौन। बिना ज्ञान के केवल अपनी वाणी के आधार पर जो वक्ता बन गए हैं उन पर कटाक्ष करते हुए रहीम दास जी कहते हैं कि जिस तरह पावस देखकर कोयल मौन साध लेती है, क्योंकि उसे पता है कि पावस में तो केवल दादुर ही बोलते हैं, भला उसको कौन पूछेगा। रही मन विपदा ही भली जो थोड़े दिन हो, रही मन विपदा ही भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जानी परत सब को, रही माँ जानी परत सबको। विपत्ति काल में किए जाने वाले व्यवहार के बारे में समझाते हुए रहीम दास जी कहते हैं
कि विपत्ति काल बुरा नहीं होता अपितु भला होता है, क्योंकि यही वो काल है जब हित अनहित अपने पराए मित्र बैरी शत्रु का परिचय हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे सहन के साह रही माँ, वे सहन के साह। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं, यदि कामना न रहे, चाह का लोप हो जाए तो चिंता से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य के सिर से सारा बोझ उतर जाता है, मन निश्चिंत और लापरवाह हो जाता है। सच तो ये है कि जिनको कुछ नहीं चाहिए होता वो मनुष्य कामना रहित होते हैं। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झर जात, समय पाए फल होते हैं, समय पाए झर जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात रहीमा, करहीम पछतात। रहीम दास जी कहते हैं, हे मनुष्य क्यों दुखी होते हो और क्यों पछताते हो? जब समय आता है वृक्ष फलों से लद जाते हैं, और फिर ऐसा समय आता है कि उसके सारे फल फूल पत्ते सब झड़ जाते हैं। समय की गति को ना जानने पहचानने वाला मनुष्य सदैव दुखी रहता है। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराय, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति इतराय, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए रहीमा, टेढ़ो टेढ़ो जाए। रहीम दास जी के अनुसार ओछे लोग जब प्रगति करते हैं तो बहुत इतराने लगते हैं, जैसे शतरंज के खेल में जब प्यादा फर्जी बन जाता है तो वो टेढ़ी चाल चलने लगता है। जो रहीम ओ तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम ओ तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग रहीमा, लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छे स्वभाव के होते हैं उनका बुरी संगति कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। जो बड़न को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए,
जो बड़े न को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाए। गिरधर मुरली धर कहें, कछु दुख मानत नाय रहीम, कछु दुख मानत नाय। जो बड़े को जानबूझकर लघु कहते हैं, तो रहीम दास जी उनके बारे में कहते हैं कि उनके छोटा बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जैसे भगवान श्री कृष्ण को कोई गिरिधर कहे या कोई मुरलीधर, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। रहीमा टूटे मुक्ता हार। जो सरल सुजन स्वभाव के होते हैं, रहीम दास जी के अनुसार वो रूठ भी जाएं तो बार बार उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उन्हें मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप वो कहते हैं कि यदि आपकी मोती की माला टूट जाए तो क्या आप इसे फेंक देते हैं? नहीं, आप भी तो एक एक मोती चुनकर बार बार उसे पिरोते रहते हैं। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह दे। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह दे। धरती ही पर परत है, शीत घाम अरुमेह। रहीमा शीत घाम अरुमेह। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के बारे में रहीम दास जी कहते हैं कि जो आप पर बीत रही है, प्रभु की इच्छा समझकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये धरती ही है जहाँ पर ठंड गर्मी बादल बरसात हर तरीके का मौसम आता है। वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर। रहीमा साधुन धरा शरीर। परमार्थ करने वाले साधु के बारे में रहीम दास जी कहते हैं कि जैसे वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता, नदी अपने जल का संचय कभी नहीं करती, वैसे ही परमार्थी मनुष्य अपने जीवन में सदा परमार्थ करता है और मनुष्य जाति की सेवा करता रहता है।